हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। भारतीय टीम इस समय वेस्टइंडीज़ के दौरे पे गई है, जहां पर भारतीय टीम वेस्टइंडीज़ के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज और 5 मैचों की T20 सीरीज़ खेलेगी। वनडे सीरीज़ को भारत ने 3-0 से जीत ली है और T20 सीरीज़ का मुकाबला होना बाकी है। भारतीय टीम का वेस्टइंडीज़ दौरा 7 अगस्त को समाप्त होगा। वेस्टइंडीज़ दौरे के बाद टीम इंडिया 18 अगस्त से जिम्बाब्वे के दौरे पर जाएगी। टीम इंडिया जिम्बाब्वे के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज़ खेलेगी, जिसका पहला मुकाबला 18 अगस्त से होगा। BCCI ने जिम्बाब्वे दौरे के लिए 16 सदस्यीय टीम का चुनाव किया है। BCCI ने जिम्बाब्वे दौरे के लिए एक बार फिर से शिखर धवन को कप्तान बनाया है। उन्हें टीम को लीड करने की जिम्मेदारी दी गई है। जिम्बाब्वे दौरे के लिए विराट कोहली को टीम में एक बार फिर से नहीं चुना गया है। उन्हें एक बार फिर से जिम्बाब्वे दौरे के लिए आराम दिया गया है। KR राहुल कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उन्हें भी जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया है। जिम्बाब्वे दौरे में दीपक चहर और वाशिंगटन सुंदर की टीम में वापसी हुई है। दीपक चहर चोट के कारण बहुत लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे थे। वह चोट के कारण IPL के मुकाबले भी नहीं खेले थे, लेकिन जिम्बाब्वे दौरे के लिए उन्हें टीम में चुना गया है। जिम्बाब्वे दौरे के लिए BCCI ने 16 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है, जिसमें शिखर धवन कप्तान के साथ ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी, ईशान किशन, संजू सैमसन, वाशिंगटन सुंदर, शाहदूर ठाकुर, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, आवेश खान, प्रसिद्ध कृष्ण, मोहम्मद सिराज, दीपक चहर जैसे खिलाड़ी को शामिल किया गया है। टीम में विराट कोहली और KR राहुल को जगह नहीं मिल पाया है। इस सीरीज़ में दीपक चहर, वाशिंगटन सुंदर और राहुल त्रिपाठी जैसे खिलाड़ियों की वापसी हुई है। टीम इंडिया जिम्बाब्वे दौरे के बाद 27 अगस्त से एशिया कप खेलेगी। हम एशिया कप में ही KR राहुल और विराट कोहली को खेलते हुए देखेंगे। ऐसी क्रिकेट के छोटे छोटे अपडेट के लिए आप मेरा YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।